और अब बात करते हैं अपने खास सेगमेंट क्या चल रहा है कि देखिए चुनावी माहौल में आखिर कैसा माहौल बन रहा है, कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों की चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है। गंगा सवेरा में हम आपको लेकर चलते हैं वाराणसी अपने संवाददाता नितेश पांडे के पास, जो सीधे आम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आम लोगों से नितेश बात करेंगे और पूछेंगे आखिर चल क्या रहा है। नितेश जी, प्राची अगर बात करें तो बनारस में जो चाय की अड़ियां हैं वो सुबह सुबह गुलजार होती है, लोग यहां पहुंचते हैं, चर्चाएं करते हैं और इस वक्त हम पल्लू चाय की अड़ी पर मौजूद हैं। तो चाय बनाने वाला हो या चाय पीने वाला हो, हर कोई इन दिनों राजनीतिक चर्चा में जुटा हुआ है। हालत ये है कि लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। चाय की चुस्की अपने आप है, चाय की चुस्की अपनी जगह है, लेकिन चर्चा क्या है ये जान लेते हैं। क्या चल रहा है इस समय? विकास, बनारस में सिर्फ चारों तरफ विकास ही विकास। धन्यवाद टू योगी जी एंड मोदी जी। जिस तरह से राजनीतिक माहौल गर्म है, जो पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं वो लगातार काशी की ओर अपना रुख कर रहे हैं, इसके साथ भी अगर बात करें तो जनता भी अपना एक मिजाज बना के बैठी है, वो जनता का मिजाज हम जानना चाहेंगे। आप लोग क्या सोच रहे हैं? अतिथि देवो भव, काशी में सबका स्वागत है। चाय, नाश्ता, खाना पीना, घूमना, बाबा का दर्शन करना, ये तो आम बात हुई। लेकिन अगर दूसरी बात करें राजनीति के तौर पर, तो चुनाव आने वाले हैं, आप लोग वोटिंग भी करेंगे, लेकिन उस वोटिंग को लेकर क्या जनता सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है? तकलीफ थोड़ा बहुत है, जैसे महंगाई वगैरह, अगर विकास होगा तो फिर महंगाई बढ़ेगा ही। तो यहाँ डिसाइडेड है, यहाँ जो भी है डिसाइडेड है, मन में है, मन में है। प्राची, यहाँ का मिजाज आप देखिए, लोग मोबाइल पर गाने सुन रहे हैं और इसके साथ ही चाय की चुस्की भी लड़ा रहे हैं और कुछ मन में आपके कुछ कह रहे हैं, आक्रोश सा दिखाई दे रहा है, क्यों? आक्रोश दिखाने का कारण क्या है, हम लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, नेशनल फ्लाइट चालू हो जाए तो कुछ टूरिज्म बढ़ जाए, होटल वाले ट्रेवल्स वाले बहुत लोग हमारे मित्र हैं, वो भी गाड़ी किस्त में निकाले लेकिन वो भी किस्त में नहीं भर पा रहा, उसका टूरिज्म ही नहीं चालू है कि वो किस्त भर पाए, और गवर्नमेंट कुछ रियायत भी नहीं दे रहा कि कम से कम गाड़ी अगर नहीं चल रहा है उसका ट्रेवल्स में तो कम से कम उसको गाड़ी का किस्त जो 3 महीने उसको माफ़ किया जाए। दादा ये कह रहे हैं सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, क्या ऐसा है क्या? क्या इस पर भी जनता सोच रही है, उसके मन में भी कुछ चल रहा है? जी, ये शहर पर्यटन बेस है और हमें अब मदद, हम लोग मदद के लिए देख रहे हैं सरकार की तरफ, सरकार जो भी मदद हमें देगा मुझे बहुत खुशी होगी, अभी तक तो खास कोई मदद मिला नहीं है। हमारे साथ लाली मौजूद हैं। अली, आप तो यहाँ दिन भर मौजूद रहते होंगे, तो जो चुनावी चर्चा है, खासतौर पर जो राजनेता इस समय आ रहे हैं, जो चुनाव के दौरान चर्चाएं होती थी वो माहौल अब जमने लगा है या क्या स्थिति? हाँ, टाइमली तो जमने लगा है। मुद्दे क्या है? मुद्दे यही है कि किसको वोट दिया जाए, किसको न दिया जाए, कौन से अपनी कसौटी पर खड़ा उतरता है, अब पब्लिक की है, पब्लिक बारी है, उनको अपना चयन करना है, कैसे प्रत्याशियों को आगे लाना है। सुबह सुबह का समय है लेकिन उद्घोष नहीं कर रहे हैं आप लोग, जो हर हर महादेव कैसे करते हैं? हर हर, ये तो लखनऊ है।